फर्सीपुरी की जब भी हम बात करते हैं ना, तो मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि ये मेरी सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट है, और इसीलिए आज आपके साथ मैं मेरी रेसिपी शेयर करूंगा। इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, और मैं आपको यकीन के साथ बोलूंगा कि जब भी आप मेरी रेसिपी ट्राई करोगे आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल विराट नायक रेसिपीज में, और आज हम बनाएंगे फर्सीपुरी। फर्सीपुरी बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लेंगे मैदा। यहाँ पे 250 ग्राम मैदा लेना है। अगर मेजरिंग कप से हम देखें तो ये 2 कप मैदा है, यानी कि जो 250 ml का मेजरिंग कप आता है उस हिसाब से ये 250 ग्राम मैदा होगा। अभी 250 ग्राम मैदे के सामने हम डालेंगे 100 ग्राम बारीक वाला रवा। अगर आपके पास मोटा वाला रवा है तो आप मिक्सर में क्रश करके भी इसको डाल सकते हो। अभी हमने जितना रवा लिया उतना ही हमें घी लेना है, यानी कि ये 100 ग्राम जितना घी है, और घी आपको शुद्ध घी ही लेना है, तभी इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। जब भी आप शुद्ध घी लेते हो तो उसका एक पर्टिकुलर फ्लेवर होता है, तो वो भी हमें मिलेगा और ये अच्छी बनेगी। उसके बाद 10 ग्राम इसमें हम नमक मिलाएंगे, तो 1 टीस्पून जितना नमक मिलाना है। 7 से 8 ग्राम हम काली मिर्च का पाउडर मिलाएंगे, यानी कि आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर मिलाना है। 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर मिलाना है, तो भुने हुए जीरे का पाउडर हम मिलाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अभी सब कुछ एक बार हम मिला लेंगे। यहाँ पे सभी चीज हम हाथों की मदद से अच्छे से मिला लेंगे। ये मेजरमेंट को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है, तो आपको एकदम बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए सब कुछ अच्छे से मिला लिया है, और इसकी मुट्ठी बहुत ही अच्छे से बन जा रही है, यानी कि इसमें जो हमने घी का मोइन दिया है वो एकदम परफेक्ट है। ये देखिए बिल्कुल बहुत अच्छे से बाइंडिंग आ जा रहा है। तो अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे। यहाँ पे जो हम आटा लगाएंगे वो सख्त आटा लगाएंगे, यानी कि नरम आटा आपको बिल्कुल नहीं लगाना है, तो इसीलिए पानी हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। और घी का जो हम मेजरमेंट यहाँ पे लेंगे वो पिघले हुए घी का लेंगे, यानी कि आपको जो जमा हुआ घी है उसका मेजरमेंट नहीं लेना है। ये वीडियो में मैंने ऐसी सारी टिप्स शेयर की है जिससे आपकी फर्सीपुरी बहुत ही बढ़िया बनेगी, यानी कि इसको फ्राई कैसे करना है वो भी बहुत ही जरूरी स्टेप है, तो वो भी आप आखिर तक जरूर देखिएगा। बस तो इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा पानी हम मिलाते जाएंगे। यहाँ पे आप चाहो तो थोड़ा हल्दी पाउडर भी डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो आप हल्दी पाउडर डाल सकते हो। ये देखिए आटा लग गया है, और आप देख सकते हो इसे मैंने काफी सख्त रखा है, और ये जो आटा है उसको बिल्कुल भी ज्यादा गूंदना नहीं है, सब कुछ अच्छे से इकट्ठा हो जाना चाहिए। तो अभी इसको ढक के हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 10 मिनट हो गई है, तो हम इसमें से एक छोटी लोइया लेंगे और उसको बेल लेंगे। तो इसकी जो साइज है वो आप अपनी पसंद अनुसार बड़ी या छोटी रख सकते हो। मैं अभी मीडियम साइज की बनाऊंगा, और इसे हम थोड़ा मोटा ही रखेंगे। ये देखिए इसको मैंने थोड़ा मोटा ही रखा है, बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है। अब एक चम्मच की मदद से इसमें हम छेद कर देंगे। ये देखिए तो छेद तो हमने कर दिया। तो इसी प्रकार हम सारी पूरी तैयार कर लेंगे। सबसे जरूरी है ऑयल का टेम्परेचर, तो इसमें से हम जो आटा है उसमें से थोड़ा हिस्सा इसमें डालेंगे। ये एकदम धीमे से ऊपर आना चाहिए, ये देखिए बहुत ही धीमे से ऊपर आया, तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो ऑयल का टेम्परेचर है वो एकदम परफेक्ट है। तो अभी हम इसमें पूरी डालते जाएंगे। अगर वो जो आटा हमने डाला वो तुरंत ही ऊपर आ गया तो उसका मतलब यह है कि आपका जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आपको उसको हल्का सा ठंडा करना पड़ेगा। ये देखिए पूरी डालने के बाद भी ये एकदम नीचे बैठ जा रही है, और उसके बाद ये धीमे से ऊपर आएगी। अगर बहुत तेज आँच पर आप इसको फ्राई कर दोगे तो वो बीच से थोड़ी कच्ची रहेगी, तो इसे समय लेके आपको फ्राई करना है। अभी अगर आप ऐसा सोचोगे कि यही मेजरमेंट से आप गेहूं के आटे की भी फर्सी पूरी बनाएंगे तो वो अच्छी नहीं बनेंगी, क्योंकि गेहूं के आटे की अगर हम फर्सी पूरी बनाएंगे तो वहां पे पूरा मेजरमेंट चेंज हो जाएगा, तो वो भी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। ये जो फर्सी पूरी है उसको हम सुनहरा हो जाए तब तक फ्राई करेंगे, और बीच बीच में आपको इसे पलटते जाना है। अभी आप देख सकते हो इसमें काफी सारे बबल्स हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी से ये पक रही है। अब देखिए इसमें बबल्स होना बहुत ही कम हो गया है, यानी कि ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई है, और इसका कलर भी हल्का सा सुनहरा हो गया है। तो हम इसको बाहर निकाल के रखेंगे तो इसका कलर और थोड़ा डार्क होगा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया फर्सी पूरी तैयार है। तो इसी प्रकार हम सारी फर्सी पूरी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया इसका कलर भी आया है, और दिखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रही है। अभी आप सोचोगे कि ये तोड़ के दिखाएगा कि नहीं, लेकिन मैं जरूर दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक अभी से कर दीजिए, अगर अच्छी नहीं लगे तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए। अब मैं आपको तोड़ के दिखाता हूं। ये देखिए एकदम बढ़िया एकदम फर्सी बनी है, यानी कि बहुत ही खस्ता बनी है, बिल्कुल जैसे बिस्किट बनती है वैसे ही बनी है। फर्सी का मतलब होता है खस्ता होना, तो ये जो पूरी बनेगी एकदम खस्ता बनेगी। आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए,
और एक नई रेसिपी के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।